एक्सट्रीमली वेलकम मीडिया पर्सन दैट यू आप लोग ने इतना शॉर्ट नोटिस में आया हमारा दुईमुख पुलिस स्टेशन में. मैं आप लोग को दुईमुख पुलिस स्टेशन का जो केस नंबर 41/2024 अंडर सेक्शन 489 ए आईपीसी का केस रिलेटेड में एक आप लोग को संक्षेप में मैं आप लोग को ब्रीफ करने के लिए यहाँ बुलाया है कि हमें 15 तारीख ये महीना का SBI दुईमुख ब्रांच मैनेजर द्वारा हमें हमारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉज किया कि उनका जो कैश डिपॉजिट मशीन जो है ATM बूथ में रखता है वहाँ पर 15 तारीख को कुछ फेक करेंसी का नोट वहाँ पर पाया गया. और इमीडिएटली जैसे हम लोग को बताया गया हम लोग ने उसको केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन को हम लोग ने एक ये काउंटर पे करेंसी का एक इशू था तो इसको हम लोग ने सीरियसली लिया और हम लोग ने एक स्पेशल टीम जो इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोग ने फॉर्म किया SIT यानी कि विच वॉज हेडेड बाई SDPO राधे ओबिन APPS असिस्टेड बाई OCPS दुईमुख इंस्पेक्टर पसंग सिमी और केस को हम लोग ने सब इंस्पेक्टर तपी नापा को हम लोग ने इसको इंडोर्स किया और होस्ट ऑफ ऑफिसर्स को हम लोग ने इसमें इन्वॉल्व किया. इन्वेस्टिगेशन का दौरान हम लोग इनका जो CCTV और जो अकाउंट में जिसका अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन हुआ उसी का द्वारा हम लोग ने उसको कोरिलेट करके जो एक्यूज़ को हम लोग ने अप्रिहेंड किया. जो एक्यूज़ है वो हमारा यहाँ का लोकल है जो हिज नेम इज़ मिस्टर नाबम राजा. बेसिकली ही इज़ फ्रॉम सागाली और प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग एज ए TGT टीचर इन द मनी सेकेंडरी स्कूल दुईमुख में. तो हम लोग ने उसको अप्रिहेंड करने का बाद इंट्रोगेशन किया तो जाके पता चला कि ये जो चीज़ है कहाँ से ऑपरेट हो रहा है. उसका जो द्वारा हम लोग को लीड हम लोग को किया को बताया गया कि ये यहाँ ये जो चीज़ ऑपरेट हो रहा है. तो हमारा टीम इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हेडेड बाय SDPO इमीडिएटली हम लोग ने उसको रवाना किया सोनापुर अंदर कामरूप जो मेट्रो जो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में है. टीम वहाँ इमीडिएटली वहाँ गया और वहाँ जाके हमारा टीम ने ये जो सिस्टम को ये चीज़ को जो अभी रन कर रहा है उसका 2 मेन अक्यूज़ को हम लोग ने अप्रिहेंड किया. कुछ लोग अभी भी हम लोग का पकड़ से बाहर है. हम लोग उनको भी अभी अप्रिहेंड करने के लिए हम लोग का जो है संघर्ष जारी है एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंस होपफुली हम लोग जो अभी भगा हुआ है उनको भी हम लोग आने वाला दिन में उनको ज़रूर पकड़ेगा. और थोड़ा पहले आप लोगों को हम लोग ने ये दिखाया कि इसका डेमो करके भी दिखाया कि कैसे करके हम लोग का इनोशन हमारा लोगों को ये लोग लूट रहा है कि कहाँ से पैसा जो पे करेंसी जो कागज़ सादा कागज़ यहाँ डालता है असली जो करेंसी नोट वो अंदर में छुपा के रख के मशीन ऑपरेट करके वहाँ से निकालते हैं. हम लोग का लोग उसमें देख के लूब लालच में आके अपना पैसा वो जो पे करेंसी के लिए पूरा वहाँ डुबा रहे. इसीलिए आज का मेन जो मेरा प्रेस ब्रीफिंग बुलाने का मेन मकसद ये है कि हमारा जितना भी अरुणाचल के जितना भी जो इनोशन सिटीजन्स है कि आप सबसे मैं एक ये एवर करना चाहता है कि कभी भी लूप लालच में नहीं आना है. कभी भी कोई आपको मोबाइल फ़ोन में कुछ दिखाए लूप लालच आपको कुछ लूर करे आप लोग उसका ट्रैप में नहीं आना है. बहुत सा लोग ऐसे ट्रैप में आके अपना परिवार पूरा अपना परिवार बर्बाद कर रहा है कर्जा में डूब रहा है. कोई कोई ऐसे करके अभी जेल में भी खुद जा रहा है. ये जो लूप लालच जो ग्रीडीनेस
ओवरनाइट बिकम टू बिकम नो रिच मैन, लाखपति करोड़पति का सपना देख के खुद डूब रहा है। इसीलिए मैं सारा हमारा अरुणाचल का जितना भी इनोसेंट जो सिटीजन है, डिनेजन से मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, कभी भी आने वाले समय में ऐसे लोग जो आपको 50,000 देगा, आप उसको 1,00,000 रुपया बना के देगा, 2,00,000 रुपया बना के देगा, आपको जो लूर करेगा बिल्कुल उसका जल साजा में, उसका जाल में नहीं फंसना है। अभी हम लोग ने डेमो करके भी दिखाया है और आप सबका चैनल का माध्यम से मैं वंस अगेन मैं सारा जनता को, मैं अपना अरुणाचल के जनता को मैं निवेदन करता हूँ, आगाह करता हूँ कि कभी भी ऐसे जल साजा में, ऐसे जाल में कभी नहीं फंसना है। इसमें कोई हकीकत में कोई असली फायदा नहीं होता है, इसमें शॉर्टकट में करने गल करेगा, आपको कानून पकड़ेगा, आप खुद फंसेगा। इसीलिए सबसे मैं सबको अलर्ट करना चाहता हूँ, आने वाले समय में कभी ऐसे काम ऐसे कारनामा में कभी कोशिश नहीं करना है। इंट्रोगेशन का दौरान जैसे नाबम राजा को बताया जा रहा है कि उनको कुछ महीना पहले उनका मोबाइल फ़ोन में कुछ अननोन नंबर से कुछ आया कि वहाँ पैसा बार बार निकाल रहा है कुछ मशीन से। फिर बाद में उससे वो संपर्क किया तो इन्वेस्टिगेशन का द्वारा ये पता चला कि नाबम राजा में भी कुछ उसमें कुछ कमियां हैं कि वो उसने सोचा कि अगर वो 20,000 देगा तो अगर उसको 50,000 मिल रहा है। वो एक दो बार जा चुका है वहाँ जाके, उन्होंने पहले बार जाते समय उनको 5,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया को डेमो करके दिखाया, निकाला असली नोट दिया, दुकान में चला के देखा चला। फिर बाद में दोबारा उन्होंने उनको लालची और बढ़ गया, पैसा लेके गया, फिर वहाँ से उन्होंने लगभग 90,000 रुपया लेके आया। उनको लेके आने का बाद उनका कहने का मतलब है कि उनको यहाँ वाइट बनाने के लिए जो केस जो डिपॉजिट मशीन में उन्होंने यहाँ डालने के लिए कोशिश किया, मगर यहाँ जो एटीएम बूथ जो मशीन है वो एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में बोला कि वहाँ से एक निकाला कि कॉन्टेक्ट नियरेस्ट आपका एसबीआई ये ब्रांच में, तो उसका द्वारा उसका चोरी इसमें पकड़ा गया है। ये एक्चुअली उनका इनोसेंटली बहुत मतलब आउट ऑफ थोड़ा ग्रीडीनेस का वजह से ओवरनाइट लाखपति बनने के लिए पैसा उनको जरूरी था होगा, इन द मीन टाइम वो लूप लालच में आके आज वो जाल में वो फंसा हुआ है। अभी जो दो नाम जो अभी ये दोनों एक्यूज बताया जा रहा है, नूर इस्लाम और मोपिदुल, इनका हम लोग सीडीआर और इनका जो हम लोग उनको पीछे हम लोग ट्रैक कर रहा है, उनको भी हम लोग पकड़ने के लिए अभी हम लोग पूरा हम लोग अपना तौर तरीका हम लोग आजमा रहा है। एंड वी आर एक्सट्रीमली होपफुल कि इनको भी हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग इनको ज़रूर पकड़ेगा। ये जो मशीन जो देख रहा है यहाँ से, जो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ जो प्लेन कागज़ यहाँ डालते हैं वहाँ से पैसा निकालता है और डेमो दिखाने के बाद लोगों को बोलता है कि हाँ आप इतना पैसा दीजिए, आपको 50,000 देगा आपको 1,00,000, 1,00,000 देगा आपको 2,00,000। जो आदमी जैसे पैसा देता है उसको ऐसे एक बंडल बना के देता है, ये जो डेमो में ये लोग वहाँ से हम लोग सीज किया है। और कस्टमर को ये बोलता है कि ये जो इसका अंदर में जो है पैसा है इसको इमीजिएटली नहीं खोलना है उनका सामने में, क्योंकि इसमें केमिकल कुछ लगा हुआ है, आप उसको 2-3 घंटा का बाद इसको लेके खुलना है। तो ऐसे करके ये पूरा पैकिंग करके लोग उसको ले जाता है, जब यहाँ आ जाता है तो तब पता चलता है कि वो तब तक वो उनको धोखा दिया गया। ऐसे करके बहुत से इनोसेंट लोगों को ये लोग ने ठोका है। और लास्टली थ्रू योर चैनल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक्स टू दी सोनापुर पुलिस, जो उन्होंने जो हमारे टीम को जिस तरीका से
सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया हमारे असम काउंटर पार्ट की तरफ से। मैं सोनापुर पुलिस स्टेशन और पर्टिकुलरली एज अ होल जो कामरूप मेट्रो जो सिटी का जो वहाँ का पुलिस को मैं तहे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस पापुम पारे का तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबका सपोर्ट और आप सबका जो एक्टिव कोऑपरेशन का वजह से हमारा जो टीम वहाँ जाके जो मिशन को बहुत अच्छी तरीका से कम्प्लीस किया विदाउट हैविंग एनी इनकॉन्वीनियंस एंड एनी डिसरप्शन, कोई रुकावट का हम लोग ये आज हम लोग ने आदमी को अरेस्ट करके यहाँ लाया, उसके लिए मैं वंस अगेन धन्यवाद असम पुलिस स्पेशली सोनापुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और वहाँ के जितने भी पुलिस साहिबान हैं, थैंक यू वेरी मच। सर ये एक्यूज का क्या स्टेटस है सर अभी? एक्यूज का जो स्टेटस है अभी हम लोग ने इसमें बताया जा रहा कि चार लोगों का, चार लोगों में से दो प्राइम एक्यूज को तो हम लोग अभी यहाँ अप्रिहेंड करके रखा है और दो लोग जो नाम बताया जा रहा है मोहिपुल और नूर इस्लाम बोल के उनको अभी हम लोग पीछे लगा हुआ है और उनको भी हम लोग जल्द से जल्द हम लोग पकड़ेगा। और कुछ